Morning students, so it is lecture 10 of class 12 and the Coulomb's law, the most important law in electrostatic. It is just analogous to gravitational law, जो आपने universal law पढ़ा था, बिल्कुल मिलता जुलता है, but concept क्या है, कि वहाँ पर masses का concept था, यहाँ पर charges का concept है, okay? So, अगर मैं पहले बात करूँ, तो Coulomb's law की स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको मैं यहाँ पर और साथ में इसकी दो फॉर्म्स हैं फर्स्ट इज द स्केलर फॉर्म एंड अदर इज द वेक्टर फॉर्म पहले हम स्केलर फॉर्म में करेंगे इट मींस पहले हम फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं ओके सो स्टेटमेंट क्या है जिस तरह से आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वहां पर मासेस के बीच में फोर्स निकालते थे सेम ऐसा ही है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस एट रेस्ट ध्यान रखिए ये कंसेप्ट सिर्फ चार्जेस एट रेस्ट के लिए लगता है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है जिस तरह से आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हो बट दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ बिकॉज इट अप्लाइज ओनली फॉर द चार्जेस विच आर एट रेस्ट ओके एंड पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होता है अब पॉइंट चार्ज क्या होता है उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा बस इतना याद रखिए कि पॉइंट चार्ज पॉइंट मतलब बहुत छोटा है ओके तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 उनके बीच में r डिस्टेंस है तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि इनके बीच में जो भी कूलम्स फोर्स होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इट मींस ये फोर्स जो है कूलम्स फोर्स इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है ओके अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं इन दोनों को ऐड कर दो सॉरी कंबाइन कर दो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और एफ इक्वल्स टू के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लेट इट क्वेश्चन नंबर थर्ड वेयर के इज ए कांस्टेंट वेयर K इज ए कॉन्स्टेंट इसको हम नाम देते हैं एंड इज नोन एज कूलम्स कॉन्स्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी फर्स्टली द सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन फॉर द मेजरमेंट आप कौन सा सिस्टम लेते हो लैम्प में आपने पढ़े होंगे CGS सिस्टम SI सिस्टम तो हम CGS और SI ही मेनली लेके चलेंगे एंड सेकेंडली कि दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है क्या दो चार्जेस एयर में रखे गए हैं या किसी मीडियम में रखे गए हैं तो अगर मैं इस K की वैल्यू देखूं तो वैल्यू ऑफ K इसकी अगर मैं बात करूं लेकिन यहां पर दो कंडीशन याद रखनी है इन एयर और साथ में एक और चीज यहां पे मैं SI सिस्टम में इसकी वैल्यू ले रहा हूं पहले अब सिस्टम पे भी तो डिपेंड करेगा ना तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा है और साथ में एयर है कि मीडियम है वो दो कंडीशन पहले SI सिस्टम ले रहा हूं पहले मैं बात करूंगा इन एयर एंड सेकेंडली बात करूंगा इन मीडियम ओके तो अगर मैं पहले मीडियम ले लेते हैं अगर मैं देखूं K की वैल्यू इन मीडियम इट इज 1/4πε यहां पे एक नई टर्म आप लोगों के लिए आएगी दैट इज एप्साइलन इट इज कॉल्ड परमिटिविटी मैं लिखता हूं अभी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 × εr वेयर E से नोट करते हैं इसको इसी तरह से रखना है कैपिटल E नहीं रखोगे इस तरह से नहीं रखोगे सिंपल E रखोगे ओके एंड इज नोन एज परमिटिविटी ठीक है एंड एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपने 10th में जिस तरह से रिलेटिव फैट इंडेक्स और एब्सोल्यूट फैट इंडेक्स का कंसेप्ट पढ़ा था बस वैसा ही ये कंसेप्ट है एंड एप्सिलॉन और इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ओके स्टूडेंट्स अगर एयर की बात करें
तो इन एयर एप्साइलन आर की वैल्यू 1 होती है. ओके, सो के इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught. सिंपल, कुछ नहीं करना, इसी वैल्यू में एप्साइलन आर को 1 कर दो तो के क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 1/4 pi epsilon naught. ओके, सो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज और साथ में एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इट इज 8.854 × 10⁻¹². इसकी यूनिट्स, इसकी यूनिट्स मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे आते हैं, बट अभी याद रख लीजिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैं इस के की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर ली एयर और मीडियम में, अगर ये के की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास स्केलर फॉर्म मिल जाती है, किसकी, जो कूलम्स फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 3, सो वी गेट, व्हाट वी गेट, एफ इक्वल्स टू के की वैल्यू पहले एयर वाला लेके चलते हैं, 1/4 pi epsilon naught इंटू q1 q2 / r². ओके स्टूडेंट, दिस इज इन एयर, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड स्केलर फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड स्केलर फॉर्म फॉर कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर. एंड सेकेंडली एफ एम, मैं इसको एयर भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, एफ मीडियम दैट इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught इंटू एप्सिलॉन आर इंटू q1 q2 / r² एंड इट इज इन मीडियम. जब तक, एक चीज याद रखिए, जब तक आपको ये नहीं दिया गया हो कि चार्जेस कहाँ पे है तो आपने क्या ज्यूम करना है कि चार्जेस एयर में है, आपका यही फॉर्मूला बन जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कूलम्स लॉ जो स्केलर फॉर्म में था, ऐसे सीजीएस सिस्टम में भी है. सीजीएस सिस्टम में मैं आपको बता देता हूँ कि सीजीएस सिस्टम में वैल्यू किस तरह से होने वाली है. ओके, सो अगर मैं बात करूँ सीजीएस सिस्टम में, तो इधर एयर और मीडियम दोनों में वैल्यूज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. परमिटिविटी का भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, परमिटिविटी क्या चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में. अब बात करते हैं सीजीएस सिस्टम. अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो एयर में इस के की वैल्यू इट इज 1 एंड मीडियम में इस के की वैल्यू 1/(K) होती है. ओके, अब ये स्मॉल के अलग चीज है और कैपिटल के अलग चीज है. स्मॉल के इज बेसिकली कूलम्स कांस्टेंट एंड कैपिटल के इज बेसिकली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. मैं आपको बता चुका हूँ इंसुलेटर जो होते हैं वो डायलेक्ट्रिक्स होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है कि वो कितना चार्ज अपनी सरफेस पे स्टोर कराएंगे, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या होता है. अभी तक के लिए इतना रखिए, के इक्वल्स टू 1 कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू 1 इन एयर इन सीजीएस सिस्टम एंड इन मीडियम के इक्वल्स टू 1/(K). दिस कैपिटल के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. सो अगर मैं सीजीएस सिस्टम में बात करता हूं जो कि हम यूज नहीं करते हैं बट फिर भी करना है, तो एफ इन एयर, फोर्स इन एयर, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थर्ड इक्वेशन थी तो के की वैल्यू 1 आ गई, इट बिकम्स q1 q2 / r². तो कूलम्स लॉ सीजीएस सिस्टम में अगर देखें और एयर में देखें, मतलब दो चार्जेस को अगर एयर में रख दिया जाए तो उनके बीच में फोर्स इतनी होगी, और अगर मीडियम में फोर्स देखें इट बिकम्स 1/(K) प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, ये चार इक्वेशन टोटल बन रही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है वो आपकी ये वाली है, जब तक मीडियम गिवन नहीं दिया होगा. अगर मीडियम दिया होगा तो फिर आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, और अगर सीजीएस सिस्टम में अगर किसी ने पूछा होगा तो फिर ये दो इक्वेशन भी हमारे पास आ जाती है. तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परमिटिविटी के बारे में बताऊंगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी की टाइप्स, ओके, और यूनिट्स वगैरह सब कुछ हम किस तरह से लेते हैं. ओके स्टूडेंट, अभी तक के लिए इतना ही, सो बी इन टच विद द वीडियोस. थैंक यू.